अवलीन इधर आना, खुश रखेगी गाइस, है ना अवलीन? एक गिलास है उसमें ये पाउडर दे बेटा, स्नो बना दे। हाँ हमारे घर पे भी आएगी, ये बना के रखूंगी। वह क्यों कर रही है? हाय गाइस, कैसे हो आप सब? हम ठीक हैं। 12 बज गए हैं, अलीजा अवलीन स्कूल से आ गई हैं। आज थोड़ा बिजी दिन था, मेरे हस्बैंड के ना नीज पे चोट लग गई है और इसलिए मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ा उनके साथ। मैं उनको हॉस्पिटल ही छोड़ के आई हूँ, बच्चों को लेना था इसलिए मैं घर पे आ गई। मैं बच्चों के लिए भी कुछ बनाया नहीं गया ज़्यादा, कल पिज़्ज़ा बनाया था बस वो ही दे देती हूँ बच्चों को, फिर थोड़ी देर ये खेलेंगे और फिर हमें हॉस्पिटल जाना। लीजा का भी आज अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास, तो बस आज तो ऐसे ही है, थोड़ा मूड ख़राब है पर ज़िंदगी तो चलती रहती है। मैंने सोचा मैं रोज़ ही बात करती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ, आज भी क्यों ना बनाऊँ। दुख सुख तो आते ही रहते हैं, वो आ जाएंगे अभी, उनका ना 12:30 बजे का ऑपरेशन है छोटा सा और 4 बजे मैं उनको ले लूँगी। इनका अपॉइंटमेंट हो जाएगा ना लीजा का, उसके बाद मैं उनको ले लूँगी। बस अब बच्चों को खाना दूँगी, अब वो आकर टीवी देख रहे हैं बस, और मैंने पिज़्ज़ा गर्म करना रख दिया ओवन में। बच्चे फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं गाइस, बच्चों ने पिज़्ज़ा खाया ही नहीं, बहुत ही कम पिज़्ज़ा खाया बच्चों ने, इसलिए मैंने फ्रेंच फ्राइज बना के दिया। और यहाँ मैंने ओवन में बनाया फ्रेंच फ्राइज, देखिए वो बन रहे। और मैं चीनी नहीं डालती, मैं गुड़ ही डालती हूँ चाय में, गुड़ भी डाल दिया। अब मैं डालूंगी इलायची सौंफ, उबर रही है। और इधर मैंने स्पेनिश बनाया हस्बैंड के लिए, बना के रखूंगी, 5 बजे तक वो आ जाएंगे। उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया गाइस, पानी भी पिया 6 बजे, उसके बाद कुछ नहीं खाना पीना। और मैं बनाऊंगी फिश उनके लिए, चाहे अब अच्छे तरह से पक जाए। और मैं बनाऊंगी आटा, आटा गूंद गया गाइस। अब मैं भी थोड़े से फ्रेंच फ्राइज खाऊंगी गाइस और चाय पीऊंगी, फिर लीजा के अपॉइंटमेंट का टाइम हो जाएगा। देखते हैं कुछ खेलती हैं ये के जाएंगे सीधे। आज अवलीन को रिपोर्ट मिला, देखिए गाइस बहुत अच्छी रिपोर्ट आई अवलीन। स्कूल में क्या आएगा सिंथ क्लास? इधर बोलो क्या आएगा? कल सिंथ क्लास आएगा इनके स्कूल पर है और देखते हैं कल इनको गिफ्ट मिलता है कि नहीं। आज ही अपने शूज रखेंगे गाइस, है ना अवलीन? हाँ, और इसकी रिपोर्ट है, एलिजा की रिपोर्ट भी बहुत अच्छी आई है। इनको ना साल में 2 बार रिपोर्ट मिलती है, पहली रिपोर्ट है अवलीन, है ना? तो फिर दूसरी क्लास में जाने के लिए फिर दूसरी रिपोर्ट आएगी। और कल तो अवलीन को बहुत बहुत गिफ्ट मिलेंगे, स्कूल में गिफ्ट मिलेगा, घर पे भी मिलेगा, हाँ 2 गिफ्ट मिलेगा ना। हाँ बेटा क्या बेटा? ओ डब्बा है आइसक्रीम बनाते हैं, अब वो खेलिए। हाँ हाँ खेलेंगे, मैं चाय पी ले। हाँ चाय पी के जा रहा। हाँ जा। इतने सारे बर्तन हो गए गाइस, अब मैं बर्तन डालूंगी डिशवॉशर में, डालने के बाद बस थोड़ा सा ही काम रह गया है ना अलीजा।
अब मैं बनाऊंगी जालम, फिश बनाऊंगी। थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, करेंगे स्नो एवरी सीजन। किसी भी सीजन में भी हम स्नो बना सकते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी चीज है गाइस। खोलिए खोलिए, इसमें क्या होता है? मैं भी इसमें शामिल हो सकती हूँ थोड़ी सी? yeah. अरे वाह, इसमें दिखाएं पहले इसमें क्या क्या चीज है। इसमें डिब्बिया है और अपनी अपनी वो स्नो बना सकते हैं। लीजा उसमें कलर है। हाँ, इतने कलर किए हैं ना इसमें। ये कितने कलर है? ब्लू, रेड, ग्रीन। और ये हम अपनी अपनी स्नो बनाएंगे आज, है ना अवलीन? तो हम इसको खोलेंगे गाइस। अरे इसमें तो सॉरी, ये मेरी डब्बा। अरे एक मिनट रुक तो जाइए। अरे वाह, इसमें तो डब्बे डब्बे अलीजा, उसमें भरी हुई है ना? हाँ, भरी हुई है। और हम क्या इस डब्बे में क्या करना है? पहले डब्बे को खोलना है, फिर उसमें पानी मिलाना है और फिर बन गया स्नो। हाँ, पहला है शुगर कर दिया, शुगर स्नो पाउडर। स्नो पाउडर इधर बिच है। हाँ हाँ, मेरे को स्नो पाउडर है, देख ला दा। हाँ, तो दो ही बना लो बेटा, एक एक बना लो। हाँ, मेरे को स्नो पाउडर है। हाँ, इसमें हम इसमें से ये निकला गाइस, एक गिलास है उसमें ये पाउडर है। अब हम पाउडर को खोलेंगे फिर स्नो बनाएंगे। अलीजा बेटा आप पानी ले आओगे? हाँ, पानी लाऊंगी। पहले पानी, हाँ मैं खोल के डाल दूंगी सारे। ए बस सखी ले सारे जरूरी, थोड़ी तीन ही बना लेते, तीन ही बहुत है ना, हम एक एक तीनों। वाह, देखो कैसे स्नो बनती है। बना दिया। अब हम इसमें डालेंगे ये वाइट पाउडर, डाल दिया। अब उस पे डालेंगे हम पानी गाइस। अलीजा देना ये है पानी, मेरे को भी पानी दे दो। एक चमचा, देखो कैसे बन रही है। वाह, इस लुक के दो, एक लिप, तीन लिप तो ले। कितना अच्छा लग रहा है गाइस, मैंने तो बहुत सारी डाल दी। अब मैं करूंगी इसको ऐसे। मेरी तो बनी नहीं अलीजा। बन गई बन गई बन गई। मेरी भी, आपकी दिखाना कैसी बनी। ये डिब्बी में ही बनती गाइस, है ना? हाँ, डिब्बी में ही बनी। ये डिब्बी वाली बन गई, देखो बहुत प्यारी बनी है। इसमें पानी डाल लीजिए। आप दिखाइए आपने कैसे बनाया। देखिए कितनी प्यारी। अवलीन अब मैं करके दूं आपको, आ जा बेटा। नहीं मैं कर। और ये किसके लिए है जो गोल्ड गोल्ड वाली चीज है? ओ, इसमें हम मिक्स कर सकते हैं। नहीं, ये है ग्लिटर डालना बस। हाँ डालो ग्लिटर, इधर आकर मेरे पास। तू खोल दे। हाँ खोल देती हूँ, लाओ वो दो आपका। पानी डालना बस बेटा, दो इधर दिखाओ। ये तैयार हो गया। अब चमचे पानी डालो, इधर रख के दो चमचे, इधर रख के डालो बेटा, इधर रख के। इधर पानी लाऊंगी। डाल दो चमचे, बहुत है अवलीन। बस हिला दो। मेरे तो आइस बन गया भाई, बन गया ही, बर्फ बन गई। स्नेल होंदा है।
स्नो बन गया। अवलीन थोड़ा सा पानी और बेटा, थोड़ा सा पानी और दो। हाँ दो ले, आप बहुत थोड़ा पानी डालते हो। खोल दो एक मिनट, उसको बनाने दो। बना दी, बना दी अवलीन ने जोर लगा लगा के। तो अच्छी बात है। हाय हाय हाय, उस दो मेरे पास दिखाए। खुद करूंगी शिक्षा। हो मैं भी चेकर्स मतलब लग गया। एवे तो बस है, कर दी लीजा। हिलाना इसको बेटा, हवे करो। मम्मा तो खुले हो रे। बस बहुत है, एक एक दूसरे का क्या करना है। हाँ ये अपने दो डाल दिया, अब इसको हिलाइए। उसमें ही रख दो बेटा। अरे इसको हिलाओ, इसका तो कलर ही चेंज हो गया स्नो का तो, है ना। इतनी बड़ी स्नो बन गया गाइस, आप लोगों ने तो बहुत अच्छे स्नो बनाया। अब इसको ना बंद करके रख दो, फिर अब जब दिल करे आप खेल सकते हो ना। इधर करना अवली। ये देखिए हमारे पास है ये ग्लिटर, अब हम उसमें डालेंगे स्नो में। हाय स्नो का तो कलर ही सुन लग रहा है। ए दूजा को ले जाऊंगा, हम मिक्स करूंगे। ये अलीजा ने स्नो बनाई है और वाव कितनी प्यारी स्नो बन गई अवलीन। वाव अवलीन की तो सबसे अच्छी बनी है गाइस। ये देखिए गाइस ग्लिटर वाली स्नो बना दी अवलीन ने तो। वाव इसमें डालेंगे बेटा बाद में, एक मिनट। हाँ, बंद करके रख दो अब डब्बी, है ना। हम ए मत डालूंगी। ये लड़की ने कितनी प्यारी प्यारी बनाई है। हाँ। आप लोग थोड़ा जल्दी कर जाते हो बेटा। नहीं आपने कौन सा बनाया? और ब्लू रेड बनिया। देखना कोई पोस्ट आया बेटा, लेके आना जल्दी से। ये दूसरा व्हाइट वाला है ना। हाँ। तो डिब्बी बंद करके रख दीजिए। मैंने खाना भी बना दिया बस ऑलरेडी, फिश भी बनने वाली है गाइस। तो फिर हम जाएंगे लीजा का अपॉइंटमेंट है क्योंकि ना। बहुत अच्छा। ये क्या है बेटा दिखाना? ओ क्रिसमस के लिए आया कुछ। ये गाइस देखते हैं किसी को निकलता कि नहीं, और फिर जाना है हॉस्पिटल लीजा का जो चेकअप है कान का, क्योंकि इसके कान में वो था ना पानी, इससे इसलिए यहाँ पर कुछ डालते हैं छोटा छोटा, जिससे कान में ना वो छेद करके एक छोटी सी पाइप डाल देते हैं, जिससे ना बच्चे को जो जो पानी होता है कान के पीछे ना वो निकल जाता है। तो इसके वो डाली थी पिछले साल, एक साल हो गया इसको, वो प्रॉब्लम तो नहीं है पर इसको सांस नहीं आता ना नाक से। तो हमने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर बोले कि इसके नाक में जो टोन्सेस होते हैं ना, जैसे गले में टोन्सेस होते हैं ऐसे नाक में भी टोन्सेस होते हैं, तो कहते हैं कि वो फिर से बढ़ गए हैं। पहले भी काटे थे पिछले साल और वो कहते हैं बढ़ गए हैं, तो इस साल भी काटने हैं। इसके लिए इसका अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास, वो देखेंगे कि कब हमको तारीख मिलती है। आपको लेके जाएंगे। हाँ इसका अपॉइंटमेंट है जो डॉक्टर वो देता है ना बच्चे को जो इंजेक्शन लगाता है जब वो ऑपरेशन करते हैं ना, उसके पास जाना है आज। फिर बताएंगे कौन सी तरीक को लीजा का ऑपरेशन है ना। मम्मा अच्छी बात नहीं है, जरूरी है इसकी सेहत के लिए। मम्मा एक मिनट बेटा खुले। मम्मा फिर ये रात को सो नहीं पाती, फिर मेरे को बहुत दुख होता है, इसलिए मैंने सोचा करवा ही दे। पिछले साल भी करवाया था ठीक हो गई थी, फिर से बढ़ गए हैं, पर इस बार वो कहते हैं कि लास्ट बार ही है, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये 8 साल की होने वाली है ना। जब बच्चे बड़े हो जाते तब नाक में जगह बन जाती है ना, तो कहते फिर कभी नहीं होगा। तो चलिए वो भी जरूरी है, और इसके पापा का ऑपरेशन भी हो रहा होगा, उसको भी लेने जाना। हाँ बेटा हाँ, इसमें अब वो डालनी है आपने ना, एक मिनट। दादी जाएगी हमारे साथ बेटा, दादी जाएगी हमारे साथ पापा को लेने। अरे अवली ने तो ब्लू ब्लू स्नो बना दी। हाँ हमारे घर पे भी आएगी।
तो उससे पहले जल्दी सारा सामान उठा दो, दादी आकर देखेगी कितने गंद मचाया बच्चों ने। अब ये भी ऑलरेडी तैयार ही है। देखो ये गोल्डन ब्राउन हो गई है, इसके पापा की ये फेवरेट है। अपने ये वैक्यूम करी है, मुझे पता कि ये करी है, ये करी जाती है। अपने क्या आप बताओ की करी जाती है? देखो ये चुप गया। अफलीदा खाओ। मुझे पता नहीं कि अफली की करी जाती है। देखो मेरी बाबी मेरे साथ दी है। देखिए गाइस वैक्यूम कर रही है वो। थक गई बेटा? मेरे को दे दो। हाँ आपका पीठ कर रहा है, ले मेरे को दे दो। अब हम जाएंगे लीजा के अपॉइंटमेंट पर गाइस। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। अलीजा अवलीन अपने अपने वो लगाइए बेटा, स्टूल लगा देगी अपने भी और दीदी के। हम लोग हॉस्पिटल में पहुंच गए गाइस, बस अलीजा का नंबर आने ही वाला है और वो कलर कर रही हैं। देखिए नीचे ही बैठ के कर रही हैं दोनों। देखिए ये हॉस्पिटल है, क्या कर रहे हो लीजा? डॉक्टर आने वाले हैं। देखिए उधर खेलने के लिए बनाया बच्चों के। देखिए गाइस कितनी प्यारी प्यारी मच्छियां हैं ना, मछली जल की रानी है। देखो कितनी अच्छा बनाया है ये हॉस्पिटल में ही है गाइस। और अवलीन को ये बहुत पसंद है। अवलीन इधर आना, ओ नीचे खेल। नहीं 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 दून। गाइस हम लोग घर पर आ गए हैं और इसके पापा तो लेट आएंगे, वो तो रात के 12 भी बज सकते हैं। उनको ऑपरेशन ना थोड़ा लेट हुआ और बच्चे आगे, क्योंकि बच्चों को कल स्कूल जाना है तो इसलिए बच्चे तो खाना खा रहे हैं और मैं उनका वेट करूंगी। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बताएं कि मैं कैसे वीडियो बनाऊं। बाय बाय गाइस।